शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चाचा जी क्या कर रहे हैं? गलत उंगली है ये, सही उंगली में पहनाइए। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो, मुबारक हो यशवी जी, आपको भी। यशवी जी, हम पंडित जी के साथ बैठ के शादी की तारीख निकलवा लेते हैं। जी ठीक है, चल आइए पंडित जी, आइए। पंडित जी ने शादी की तारीख निकाल दी है, आइए आइए। यशवी जी बधाई हो, अगले सोमवार श्रद्धा बिटिया हमारी होगी। आपको भी बहुत बहुत बधाई। हम जानते हैं कि पंडित जी ने थोड़ा जल्दी का मुहूर्त निकाल दिया है, पर आप चिंता मत कीजिए, मिल बांट कर सारे काम कर लेंगे। कांग्रेचुलेशंस वरुण। कांग्रेचुलेशंस भैया। बधाई हो भाभी जी, बच्चे इतने जल्दी बड़े हो गए पता ही नहीं चला। अब हम वरुण की शादी पूरे धूमधाम के साथ करेंगे। हाँ भाई साहब, अब आज्ञा दीजिए, समय बहुत कम है और बहुत सारी तैयारियां करनी है। जी आज आप लोग आराम कर लीजिए, कल से तो फिर मेहंदी, संगीत, हल्दी और फिर शादी। क्यों वरुण बेटा? चलें? जी नमस्ते। नमस्ते, आइए। नमस्ते। मैं भी कल स्कूल नहीं जाऊंगा, घर में फंक्शन है, कितना काम होगा। अच्छा और जो कल तेरा टेस्ट है वो कौन देगा? दीदी टेस्ट की तो होती रहेगी तैयारी, पहले आपकी शादी के लिए भाई को तो लेने दे थोड़ी जिम्मेदारी। कल सबसे पहले तू टेस्ट देगा, उसके बाद ही सारे फंक्शंस अटेंड करेगा। और रही जिम्मेदारी उठाने वाली बात, तो सब में अच्छे से बांट दी गई है, तू अभी जाके सो जा, सुबह सुबह तुझे उठाऊंगी रिविजन करवाने, समझा? दीदी मैं मेरा गिफ्ट लेके सोने जा रहा हूँ। अच्छा मम्मी अब आप भी जाइए सो जाइए, बहुत थक गई होंगी और कल से इतनी सारी तैयारियां भी शुरू करनी है ना, ये सब मैं रख देती हूँ। क्या हो गया है मेरी मातेश्वरी को, अब कौन सा टेंशन लेकर बैठ गई हैं आप? श्रद्धा सगाई तो बहुत अच्छे से हो गई, पर हमें लगता है तनुजा जी अभी भी हमसे नाराज हैं। मम्मी ये हर फैमिली में ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, इस बात को लेकर इतना ज्यादा टेंशन लेने की क्या जरूरत है? टेंशन नहीं ले रही बस मतलब मैं समझ गई कि कीर्ति का आपको टेंशन देने का कोटा थोड़ा कम पड़ गया है, इसीलिए आप नई नई जगह से टेंशन ले रही है ना? अरे नहीं ना, नहीं। कीर्ति की टेंशन से बड़ी कोई टेंशन नहीं है हमारे लिए। चलिए अब आप सो जाइए, कल से मेरी प्यारी बेटी की शादी की तैयारियां जो शुरू होंगी, और फिर
कल इन प्यारे हाथों पे मेहंदी भी तो लगेगी ना। खुरदा अभी तक तैयार नहीं हुए। तैयार पापा किस लिए? अरे बेवकूफ, परसों बताया था ना कि दुकान पर बैठना है, और तुम चाहते हो कि हम तुम पर भरोसा करें। कब जिम्मेदारी उठाना सीखोगे अबे? दुकान पर जल्दी से आओ, माल आ रहा है, रिसीव करना है और ये सब अकाउंट्स टैली करने हैं। और हाँ, एक जिम्मेदारी का काम हम तुम्हें देना चाह रहे हैं, ये 25,000 रुपए है। राम जी भाई को हाथ में थमाना आज, समझे? अरे रखो पापा, पर हम नौकरी। पकड़ो, जाकर उनके हाथ में थमा कर आना, समझे? अरे वाह भैया, अभय अब से दुकान पर बैठने वाला है, ये कब हुआ? आपने हमें बताया भी नहीं। वैसे अच्छा है, इतनी आसानी से हर एक को नौकरी थोड़ी ना मिलती है। अभय, अब से घर पर आराम करना बंद, दुकान जाना शुरू। अजी सुनिए। बकिए। हाय, हम ना कजन से तुम्हारे गुस्से पे भी लम लेट है। दूर रहो मुझसे। रास्ते में बाइक पे ड्रॉप कर दो ना। पगला गई हो? काहे बिठाए तुम्हें अपनी बाइक पे हम? क्यों? हमारे बैठने से तुम्हारी बाइक घिस जाएगी क्या? हमारा काम तुम्हारे रास्ते में ही पड़ेगा, ड्रॉप कर दो ना प्लीज। कहाँ जाना है? आंटी जी ने शगुन की मेहंदी दी है श्रद्धा भाभी के घर पहुँचाने के लिए। अपने हाथों से एक एक कोन बनाई है अपनी नई बहू के लिए, और ऐसे मौके पे मना भी नहीं कर सकते ना। अरे श्रद्धा, अरे तुम दुल्हन हो बेटा, ये काम वाम सब छोड़ो, अभी तुम्हारी शगुन की मेहंदी आती होगी, फिर मेहमान भी आ जाएंगे, तुम फटाफट अपनी ड्रेस फाइनल करो और लीजिए और तैयार होने जाओ। चलो श्रद्धा बैठिए। अरे बैठिए, जूस पीजिए। मुझे पता था आप कोई ना कोई टेंशन लेकर जरूर बैठी होंगी। श्रद्धा, तुम जब चली जाओगी तो हमारा क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे कीर्ति होगा। तुम्हारे पापा का फोन है, एक मिनट। हेलो जी। हाँ, वो तोहफों वाली लिस्ट आपके बटुए में ही रखी है। परफेक्ट, बहुत सुंदर है, हम पे अच्छा लगेगा ना दीदू? हाँ दीदी, आपकी चॉइस ना टॉप क्लास है, और क्वालिटी देखिए, आपने ना एक नंबर का पीस पसंद किया है, और काम इसमें ना बहुत बारीकी से हुआ है, और दाम सिर्फ 25,000 रुपए। एक मैं आपको दोबारा फोन करती हूँ। क्या क्या कहा भैया? 25,000? दुल्हन ये नहीं है, दुल्हन की बहन है, आप उसी हिसाब से कपड़े दिखाइए। मम्मी लेने दो ना प्लीज, हम संगीत में पहन लेंगे, इससे बेटर ड्रेस हमें नहीं मिलेगी। चुप। नहीं मतलब नहीं, जब तुम्हारी शादी होगी फिर पहन लेना जो पहनना होगा, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। मम्मी आपकी सारी कंजूसी हमारे बारे में क्यों होती है? आप बैठे, ले लेने दीजिए ना, मैंने अभी तो अपनी एफडी तोड़वाई है, मैं पैसे दे दूंगी। अरे बेटा, बात पैसे की नहीं है, जो है उसी में एडजस्ट करने की है। आज तो चल जाएगा, तुम दे दोगी, पर जब ये अपने ससुराल जाएगी तब। और हाँ, इसकी जिद को बढ़ावा देने की बजाय इसे कुछ सिखाओ। भाई साहब, आप 4-5,000 वाली को ड्रेस दिखा दीजिए। हाँ, ये
है 5,000 रुपए तक। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।